जय हिंद बच्चों, आज हम लोग किंगडम मोनेरा का माइकोप्लाज्मा टॉपिक पढ़ेंगे। माइकोप्लाज्मा किंगडम मोनेरा का टॉपिक है और किंगडम मोनेरा जो है तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का पार्ट है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आरएच विटेकर द्वारा दिया गया था। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन आर एच विटेकर द्वारा दिया गया था। आर एच विटेकर द्वारा दिया गया था, विटेकर द्वारा दिया गया था। तो आज हम लोग माइकोप्लाज्मा के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। माइकोप्लाज्मा किंगडम मोनेरा का पार्ट है। माइकोप्लाज्मा में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स इन नेचर। इन नेचर तो नेचर में सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा होता है? वो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, बैक्टीरिया से भी छोटा होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल कंप्लीटली अब्सेंट होता है। माइकोप्लाज्मा में जो सेल वॉल होता है वो कंप्लीटली अब्सेंट होता है। तो माइकोप्लाज्मा कंप्लीटली लैक सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, ये हम आप लोगों को बता चुके हैं, क्योंकि इसमें जो है तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल अब्सेंट होता है, पूरी तरह से अब्सेंट होता है, थोड़ा भी नहीं होता। तो इट कंप्लीटली लैक सेल वॉल, सो ऑल्सो स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो नेचर में सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल अगर कोई पूछे कि कौन सा है तो वो माइकोप्लाज्मा होता है, वो माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा इसी तरह का दिखता है। माइकोप्लाज्मा का जो तस्वीर है वो इसी तरह का पिक्चर है, जो इमेज वो इसी तरह का दिखता है। अगर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन अब्सेंट हो या नहीं हो, प्रेजेंट ना हो, तो माइकोप्लाज्मा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि वहां सरवाइव कर लेता है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा विदाउट ऑक्सीजन भी सरवाइव कर लेता है। लिखेंगे माइकोप्लाज्मा कैन सरवाइव विदाउट ऑक्सीजन। माइकोप्लाज्मा कैन सरवाइव विदाउट ऑक्सीजन। मैक्सिमम जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए पैथोजेनिक होते हैं। मैक्सिमम ज्यादातर जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक का मतलब डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिजीज काज करते हों, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजेनिक कहते हैं। तो पैथोजेनिक का मतलब होता है डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म। तो माइकोप्लाज्मा में जो मैक्सिमम जो माइकोप्लाज्मा होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए पैथोजेनिक होते हैं, मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है, डिजीज कॉज करते हैं। माइकोप्लाज्मा को एक और नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो दूसरा नाम है जिसके नाम से ये जाना जाता है वो पीपीएलओ है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ के नाम से भी जाना जाता है। तो पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लियोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लियोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। हम लोग जितना भी पढ़े हैं बस इतना ही है माइकोप्लाज्मा में, सबको हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं जितना भी पढ़े हैं। तो माइकोप्लाज्मा किंगडम मोनेरा का पार्ट है। किंगडम मोनेरा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आता है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विटेकर द्वारा दिया गया था। तो माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स इन नेचर। इट कंप्लीटली लैक सेल वॉल। तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल पूरी तरह से अब्सेंट होता है। तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल कंप्लीटली अब्सेंट होता है।
ये बैक्टीरिया से भी छोटा है, क्योंकि जो है तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल अब्सेंट होता है और बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, तो ये इससे बड़ा हो जाता है, मतलब कि माइकोप्लाज्मा से बैक्टीरिया बड़ा हो जाता है, माइकोप्लाज्मा से बैक्टीरिया बड़ा हो जाता है। अगर बात करें इसकी माइकोप्लाज्मा की, अगर इमेज की कि ये किस किस तरह का दिखता है, तो ये माइकोप्लाज्मा इस तरह का दिखता है। इसको हम इरेज कर कर दिखा देते हैं पूरी तरह, ठीक है, ये इसी तरह का दिखता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा इसी तरह का दिखता है। ये प्लांट्स और एनिमल्स जो मैक्सिमम माइकोप्लाज्मा होते हैं, ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक का मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, मतलब माइकोप्लाज्मा को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो सिकेंड नाम है पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो प्लूरो निमोनिया लाइक